हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट प्रेगनेंसी के बारे में। जो प्रेगनेंसी होती है, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी रिपोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है और सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। जैसा कि गाइस आपके सामने अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें क्या देखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में प्रेजेंटेशन दिया होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन दिया होता है, प्रेजेंटेशन के बारे में दिया रहता है। दूसरा क्या होता है, फीटल मोमेंट के बारे में दिया रहता है, लिक्विड के बारे में दिया रहता है और प्लेसेंटा के बारे में दिया रहता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम पूरे अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिफाइन करके जानेंगे। और वीपीडी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसी क्या होता है, एफएल क्या होता है, ठीक है, और टोटल टाइम क्या होता है और फीटल का वेट कितना होता है, हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे हम इस आज रिपोर्ट में कि कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में हमें ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है और कौन सी सिचुएशन में बच्चा नॉर्मली हो जाता है, ठीक है गाइस। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में हम बहुत अच्छे से आज रिपोर्ट को हम देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे एलएमपी है, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है जीए और ब्रैकेट में एलएमपी है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि जीए और एलएमपी क्या होता है, ठीक है। जीए का मतलब होता है, जो जीए का मतलब होता है गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन एज। क्या होता है, गेस्टेशन एज। गेस्टेशन एज, ठीक है। गेस्टेशन एज का मतलब क्या होता है कि जो गर्भ धारण किया रहता है बच्चा, ठीक है, उसके बारे में गेस्टेशन का जो पीरियड होता है वो जीए जो होता है, जो गर्भ धारण कितना टाइम होता है, कितना दिन होता है, उसके बारे में जीए होता है, ठीक है। और एलएमपी का मतलब क्या होता है, एलएमपी, ठीक है। एलएमपी का मतलब होता है गाइस लास्ट मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब है जो महीना आता है, जो लास्ट प्रेगनेंसी का जब हुआ है, लास्ट प्रेगनेंसी कब आया, उसी के हिसाब से क्या नाम है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस हिसाब से कि जिस दिन प्रेगनेंसी रुक जाती है तो लास्ट उसी दिन पीरियड होता है, इसके बाद पीरियड नहीं होता है, तो उसी का होता है कि एलएमपी का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से, ठीक है। हमें प्रेजेंटेशन में, रिपोर्ट में हमें सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या देखना होता है, प्रेजेंटेशन में लिखा होता है, जैसे प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिफेलिक लिखा होता है, सिफेलिक होगा या ब्रीच होगा या ऑब्लिक होगा या ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। बच्चे का क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पोजिशन होता है, ठीक है। बच्चे का पोजिशन जो सिफेलिक पोजिशन होती है, सिफेलिक पोजिशन में क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है, बच्चे का जो हेड होता है, मदर के जो सर्विक्स होता है, जो एक तरीके से यूट्रस जो होता है, यूट्रस के मुंह पे जब उसका हेड होता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सिफेलिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन क्या होता है कि ब्रिज पोजीशन, ये जो है कौन सा पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन है। इस पोजीशन में क्या है कि बच्चे का हेड जो है यूट्रस के अपोजिट साइड में है, ठीक है। अगर बच्चे का हेड सर्विक्स की तरफ होता है तो कौन सा पोजीशन होता है, सिफेलिक पोजीशन होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है, लेकिन बच्चे का पोजीशन क्या है कि ऊपर है और नीचे जो सर्विक्स की तरफ क्या है, पैर है, ठीक है। तो ये पोजीशन को क्या कहते हैं, ब्रिज पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन में ही सबसे ज़्यादा सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसी पोजीशन में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन होता है ऑब्लिक, बच्चा जब ऑब्लिक होता है, ठीक है, बच्चा जब क्या होता है, ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक होता है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पोजीशन। इसके बाद बच्चे की पोजीशन अगर ट्रांसवर्स हो, इस तरीके से हो, तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में, हर रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होती
होती हैं, लिखी होती हैं, ठीक है। अगर आपके रिपोर्ट में दे दिया कि सिफेलिक पोजीशन, बच्चे का जो पोजीशन होता है प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है, पोजीशन देता है, ठीक है। तो पोजीशन अगर दे दिया सिफेलिक पोजीशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिफेलिक पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। तो गाइस आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और पेन और कॉपी लेके अच्छे से लिख भी लीजिएगा, ताकि आपको कभी ये भूले ना, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ब्रिज पोजीशन। ब्रिज पोजीशन में आपको पता होना चाहिए ब्रिज पोजीशन में कैसा होता है। अगर ब्रिज पोजीशन इस तरीके से है, तो आप समझ जाइए कि मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद ऑब्लिक पोजीशन है, अगर ऑब्लिक पोजीशन है तो ऑब्लिक पोजीशन में समझ जाइए कि ऑब्लिक पोजीशन में बच्चे की किस तरीके से पोजीशन होती है। इसके बाद अपना ये हो गया ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन में किस तरीके का बच्चा होता है। इसमें भी अगर बच्चे का पोजीशन ठीक नहीं हो पाया तो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारा प्रेजेंटेशन हो गया गाइस, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन हो गया आपका, प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन में क्या इसमें दिया है, सिफेलिक, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्कैन, ठीक है। जब स्कैन किया था उस टाइम में क्या है, बच्चे का पोजीशन क्या है, सिफेलिक पोजीशन में है। अब सिफेलिक पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, फीटल मोमेंट दिया हुआ है। फीटल मोमेंट क्या है, प्रेजेंट। फीटल मोमेंट का मतलब क्या होता है, बच्चे की जो धड़कन होती है, ठीक है, जब वहाँ पे आपको फीटल मोमेंट वहाँ पे चेक करेंगे तो धक 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 इस तरीके से मोमेंट चलता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, फीटल मोमेंट, ठीक है। फीटल मोमेंट क्या है, प्रेजेंट है। इसके बाद लिक्वर दिया है, लिक्वर एडिक्वेट, ठीक है, क्या दिया है, लिक्वर एडिक्वेट। लिक्वर एडिक्वेट का मतलब जो है, जो बच्चे के अंदर में फ्लूड होता है, बच्चे के अंदर में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूड होता है, क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूड होता है, उसी एमनियोटिक फ्लूड में क्या होता है कि बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूड, एडिक्वेट मतलब कि पर्याप्त है, जितना उसको बच्चा ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लेसेंटा, ठीक है, क्या लिखा है, प्लेसेंटा का लिखा है फंडो इंटीरियर नॉट सो लाइंग वेल अवे ऑफ द इंटरनलस, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेसेंटा का पोजीशन किस तरीके से होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का पोजीशन हम देखते हैं, देखिए गाइस ये है प्लेसेंटा का पोजीशन, ठीक है। अगर ये है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, ये आपका है प्लेसेंटा पूरा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है पूरा। प्लेसेंटा के अंदर में क्या है कि बच्चा आपका क्या है, इसमें है, ठीक है। अब प्लेसेंटा का पोजीशन का मतलब होता है कि कॉर्ड जो होता है, प्लेसेंटा का जो कॉर्ड होता है, जहाँ से प्लेसेंटा बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, अगर प्लेसेंटा उसके पेट की तरफ होता है, ये कॉर्ड जो है ये पेट की तरफ होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। मान के चलो ये मदर है, ठीक है, मदर का ये पेट है, ठीक है, मदर के पेट यहाँ इस तरफ अगर प्लेसेंटा होगा तो क्या होगा, इसको क्या बोल देंगे, इंटीरियर पोजीशन बोलते हैं। अगर मदर का ये बैक हिस्सा है, ठीक है, मदर के बैक की तरफ ये प्लेसेंटा रहेगा, कॉर्ड और प्लेसेंटा का पोजीशन रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्लेसेंटा, ठीक है। अगर ये मदर है, मदर के ऊपर की तरफ इधर इधर एब्डामन है, यूट्रस है उसका, प्लेसेंटा का साइज अगर इधर है, ठीक है, अगर प्लेसेंटा ये दिख रहा है, प्लेसेंटा इसके ऊपर की तरफ है, तो क्या इसको बोलते हैं, फंडल पोजीशन में है। प्लेसेंटा उसका कैसा है, फंडल पोजीशन में है, ठीक है। अगर प्लेसेंटा क्या है, उसके यूट्रस के सर्विक्स की तरफ है, यूट्रस के सर्विक्स की तरफ, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। अगर बच्चा का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ये बच्चे का प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा दिया हुआ है, बच्चे का प्लेसेंटा जो क्या है कि इसके सर्विक्स की तरफ है, जो बच्चेदानी के मुंह की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये चार पोजीशन होता है जो प्लेसेंटा का पोजीशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में मेंशन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्ट्रासाउंड में। इसके बाद गाइस आपका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फीटल मोमेंट हो गया, लिक्विड हो गया, प्लेसेंटा का भी पोजीशन हमने बता दिया किस तरीके से होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, बीपीडी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसी क्या होता है, एफएल क्या होता है, ठीक है। बीपीडी के बारे में हम देखते हैं कि बीपीडी क्या होता है। जैसा कि गाइस एससी का मतलब क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस, मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है, इसमें इसमें बच्चे के हेड को नापा जाता है, ठीक है, ये बच्चे का जो हेड है, बच्चे को पूरे हेड को नापा जाता है कि बच्चे के हेड की साइज क्या है, ठीक है, ठीक है। और बीपीडी का मतलब क्या होता है, बीपीडी दिया ना, बीपीडी का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल, ठीक है, ये बीपीडी है ना, बीपीडी का मतलब होता है कि बाइलेटरल पेराइटल डायमीटर। बाइलेटरल पेराइटल डायमीटर का मतलब होता है कि जो उसका हेड होता है,
है, जो इसका सिर है, बच्चे का जो सिर होता है, बच्चे का सिर का जो पूरा डायमीटर होता है, पेराइटल डायमीटर होता है जो, ठीक है, जो स्कल होता है, स्कल का पूरा डायमीटर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बीपीडी। बच्चे का हेड कितना बड़ा है, कहते हैं ना बच्चे का सिर बड़ा है, ठीक है, तो वो कैसे देखा जाता है, बीपीडी। बीपीडी होता है ना, बीपीडी के द्वारा क्या, बीपीडी से हमें पता चलता है कि बच्चे का बाइलेट जो होता है कि बाइपेराइटल डायमीटर जो होता है उसका बीपीडी के द्वारा होता है। और एससी हमने बताया, एससी का मतलब क्या होता है, हेड सरकमप्लेस, ठीक है, हेड का जितना कितना हेड का सरकमप्लेस है वो देखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद एसी दिया है, एसी का मतलब क्या हो गया कि एब्डामिनल सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो बच्चे का एब्डामन होता है, बच्चे का जो पेट होता है, पेट का जो डायमीटर होता है, पेट को जो नापा जाता है, ठीक है, जो एसी जो होता है लिखा होता है उसमें उसका रेंज लिखा होता है कि एसी मतलब बच्चे का पेट कितना बड़ा है, ठीक है, एसी जो एब्डामिनल सरकमफ्रेंस में पता चलता है। इसके बाद एफ एल लिखा होता है, ठीक है, एफ एल लिखा होता है, एफ एल का मतलब क्या होता है कि जो फीमर की लेंथ होती है, फीमर जो पैर की बोन होती है, जो पैर की बोन होती है उसकी लेंथ कितना होता है वो लेंथ को नापा जाता है, ठीक है, फीमर का जो लेंथ होता है वो नापा जाता है, एफ एल में फीमर की लेंथ को नापा जाता है। इसके बाद दोस्तों, और जैसे जैसे बच्चे का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो जी एल एम पी होता है, जो जैसे जैसे जी एल एम पी जैसे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे क्या होता है कि गेस्टेशन पीरियड उसका बढ़ता है, उसी हिसाब से क्या होता है इसका जो आपका बीपीडी हो गया, एससी हो गया, एसी हो गया, एफएल हो गया, ये सारी चीज़ों का भी धीरे धीरे करके सब चीज़ें बढ़ता है। जैसे बच्चा आपका कम टाइम का होता है, ठीक है, तो बीपीडी उसी हिसाब से रहेगा, एससी उसी हिसाब से रहेगा, एसी उसी हिसाब से रहेगा, एफएल उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में ये सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया कि बीपीडी का मतलब क्या होता है, बाइपेराइटल डायमीटर हो गया, एससी का मतलब हो गया कि हेड सरकमफ्रेंस, जो हेड का हेड की एरिया, हेड सरकमफ्रेंस है जो वो कितना है, ठीक है, और एसी का मतलब हो गया एब्डामन, जो उसका पेट है, ठीक है, जो उसका बच्चे का पेट है, पेट कितना एमएम का है, ठीक है, एफएल जो होता है फीमर का जो उसका बोन होता है, बोन का डायमीटर कितना है उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें गाइस पता चलता है, ठीक है। इसके बाद क्या छूटा है, इसके बाद गाइस इसमें आपका बीपीडी, एससी, एस ए, एफ एल, ये सब हो गया, ठीक है, कंपोसाइट, ठीक है, आपका जो बच्चे का जो क्या नाम है, डेट है, ठीक है, डेट जो इसमें क्या लिखा है, 35 वीक 2 डेज, ठीक है, बच्चे का जो डिलीवरी का टाइम होता है 37 वीक होता है, ठीक है, 37 वीक होता है, तो अभी इसमें टाइम कम है, ठीक है। तो इसके बाद फीटल वेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, फीटल वेट लिखा हुआ है 2361 ग्राम, ठीक है, और हार्ट रेट लिखा हुआ है इसका, हार्ट रेट 146, ठीक है, बच्चे का जो फीटल होता है, जो डॉपलर क्या करते हैं, डॉपलर से चेक किया जाता है उसके, ठीक है, ये पेट है उसका, पेट में आपका बच्चा है, यहाँ पे डॉपलर लगाया जाता है जब, ठीक है, ये एम्ब्लाइकल डॉपलर लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उस डॉपलर में हार्ट रेट आता है, ठीक है, वो हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, 140 क्या होता है कि अराउंड 140 से लेके लगभग लगभग 160-165 इस तरीके से नॉर्मल होता है, ठीक है, 100 से नीचे अगर आने लगे तो समझो कि बच्चे का हार्ट ठीक से नहीं चला। धीरे धीरे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जो बच्चे का हार्ट बीट नहीं चलता है, ठीक है, क्या होता है कि डॉक्टर लोग कैसे बताते हैं कि बच्चा अब नहीं है, या बच्चे का मतलब कि सेफ रहना मुश्किल है, बच्चा जिंदा रखना मुश्किल है, वो क्या होता है, हार्ट रेट से पता चलता है, ठीक है, हार्ट रेट जब उसका कम होने लगता है, धीरे 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 क्या होता है कि 20-30 हार्ट रेट चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कहते हैं कि देखो बच्चे को बचाना मुश्किल है, कितना बच सकता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अंदर डेड हो जाता है, तो उसका क्या होता है कि फीटल हार्ट रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। और गाइस आप लोग को एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूड होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड होता है, जो किस कलर का होता है, एल्विस कलर का होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि एल्विस कलर का फ्लूड होता है, सराउंडिंग उस क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या होता है कि उसके न्यूट्रिशन, उसके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूड होता है, फ्लूड के अंदर बच्चा आराम से उसमें तैरता रहता है, उसमें उसको अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, उसमें उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज होता है, जो एमनियोटिक फ्लूड की
प्लेसेंटा की जो क्या होता है कि जो इसको FI बोलते हैं, ठीक है, उसमें अल्ट्रासाउंड में FI लिखा रहता है कि FI कितना है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूड का इंडेक्स जो होता है कितना है, ठीक है। नॉर्मल जो गाइस देखिएगा, नॉर्मल रेंज जो होता है 5 से 5.25 सेंटीमीटर तक क्या होता है कि इसका नॉर्मल रेंज होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्लूड होता है, एमनियोटिक फ्लूड होता है, कहीं से लीक हो गया और एमनियोटिक फ्लूड पूरा निकल गया, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूड क्या हो गया, पूरा निकल गया, बच्चों बच्चा क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इमरजेंसी में उसको LCS करना पड़ता है, इमरजेंसी में उसको सीजर करना, सीजेरियन करना पड़ता है। अगर उस सिचुएशन में जल्दी से सीजेरियन नहीं करेंगे तो बच्चा भी खत्म होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो यही सारा जो अल्ट्रासाउंड के बारे में रिपोर्ट है गाइस, और आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और वीडियो ये अल्ट्रासाउंड का आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ लगता है कि आप लोगों को कुछ छूटा हुआ है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।